कांग्रेस उम्मीदवार रहे रफीक मंडेलिया का 31 जुलाई को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को लिखा एक पत्र लीक हो गया है और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। रफीक मंडेलिया ने पत्र में लिखा है कि बीजेपी के समर्थक शिक्षकों का तबादला कर उन्हें जिला बदर किया जाए और कांग्रेस समर्थक शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों को मनचाही पोस्टिंग दी जाए। ऐसा करने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और चूरू में कांग्रेस मजबूत होती जाएगी। सोशल मीडिया में तैर रहा एक खत देश की सियासत में उबाल ला दिया है। खत सियासी है लेकिन उसका मजबूत कटघरे में खड़ा करने वाला है। चूरू से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर शिक्षकों के तबादले की सिफारिश की है, लेकिन सिफारिश के लिए जो दलील दी गई है वो बीजेपी को नागवार गुजरने वाली है। पत्र में लिखा गया है कि चूरू के उन शिक्षकों का जिले से बाहर तबादला किया जाए जो बीजेपी के समर्थक हैं और कांग्रेस समर्थक शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग दी जाए। ऐसा करने से जिले में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। इस चिट्ठी के वायरल होने के बाद बीजेपी आग बबूला हो उठी है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने मामले को गंभीरता से लिया है। राजेंद्र राठौर ने इस बाबत पत्र लिखकर सीएम अशोक गहलोत से शिकायत की है। उन्होंने सीएम से आग्रह किया है कि प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों में पारदर्शिता रखी जाए। उधर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के आरोपों पर हैरानी जताई है। डोटासरा ने कहा है कि राजेंद्र राठौर झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा कोई पत्र रफीक मंडेलिया ने उन्हें नहीं लिखा है, उनको नहीं मिला है। अगर राजेंद्र राठौर के दावों में दम है तो रफीक मंडेलिया के पत्र के साथ शिक्षकों की तबादला सूची सार्वजनिक करें। राजेंद्र राठौर केवल अपने समर्थक शिक्षकों के तबादलों को रोकने के लिए पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। फर्जी पत्र के जरिए ट्वीट करने से झूठ सच साबित नहीं होता। अगर अपने दावों को सच साबित नहीं कर पाए राजेंद्र राठौर तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए।